राधे राधे मित्रों, मैं ज्योति सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कान्हा लेडीज केयर में। मित्रों, अपने इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड के दौरान हर नर्सिंग माँ के मन में आता है कि क्या वे अपने बच्चे को बीमार होने के दौरान भी ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, क्योंकि अक्सर बीमार माओं के अंदर ये डर रहता है कि ऐसे समय में शायद उनका दूध बच्चे को नुकसान पहुंचाए। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे टीबी एचआईवी में तो नहीं, मगर बुखार खांसी जुकाम के दौरान आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, मगर इस दौरान आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। बीमार होने के दौरान आपको अपने बच्चे के चेहरे से अपना चेहरा दूर रखना चाहिए और हाथों को हमेशा साफ रखना चाहिए। किसी भी बीमारी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कराने पर आप जल्दी थक जाती हैं, इसलिए प्रॉपर रेस्ट लें और सफाई धुलाई जैसे काम न करें। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दवाओं का सेवन ज़रा कम करें, जहाँ तक हो सके होम रेमेडीज का सहारा लें, क्योंकि अक्सर आप जो दवाएं लेती हैं दूध के माध्यम से उनका कुछ अंश आपके बच्चे तक पहुंच जाता है, जिसकी ज़रूरत आपके बच्चे की बॉडी को बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से दवा ले सकती हैं, अपने आप से कोई भी दवा न लें। बीमारी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से पूछ सकती हैं। मित्रों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद।